खगड़िया जिले के बेलदौ थाना क्षेत्र के चौड़ली नादरपुर पथ के जमींदारी बांध पर मोटरसाइकिल एवं ट्रक के सामने आमने सामने से टक्कर होने से मोटरसाइकिल सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। पीछे बैठे व्यक्ति को मामूली चोट आई है। दरअसल घायल व्यक्ति की पहचान बलेठा पंचायत के वार्ड 5 डुमरी ठाठा वासा गांव निवासी मोहम्मद कलीम आलम के 20 वर्षीय पुत्र मोहम्मद मजलूम आलम एवं मोहम्मद सलाम के 18 वर्षीय पुत्र मोहम्मद राहुल के रूप में हुई। बताया जाता है कि मधेपुरा जिले के पुरैनी थाना क्षेत्र के बघवा दिराया बुआ के यहां से घर वापस लौटने के दौरान चौड़ली हल्का जमींदारी बांध पर नरादपुर की ओर से आ रही बालू लदा तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल को ठोकर मारकर 10 मीटर तक घसीट दिया, जिससे मोटरसाइकिल चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों के द्वारा बेलदौर थाना अध्यक्ष को घटना की सूचना दी गई। घटना की सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष पंकज प्रकाश अपने दल बल के साथ पहुंचकर मामले की छानबीन करने में जुट गए। घायल को बेहतर इलाज के लिए बेगूसराय ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया जा रहा है, जहां ट्रक ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर थाना लाए, जहां जांच पड़ताल की जा रही है। वो बवा दिरा से अपना फूफू के यहां से आ रहा था, उसी के दरमियान में एक ट्रक बालू लोड लदा हुआ उसी से धक्का लगा। धक्का लगने के बाद में दो आदमी घायल हुए, उसमें एक लड़का बहुत ज़्यादा रूप से घायल है, उसको इलाज के लिए रेफर किया गया और उसी के दरमियान थाना प्रभारी आए और पब्लिक जितने भी कॉर्पोरेशन लोग हैं सभी गाड़ी को चेक करके रखे हुए हैं। आगे थाना अध्यक्ष अपना अंदर में गाड़ी ले करके कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई जो घायल है, दोनों घायल व्यक्ति का क्या नाम है? मोहम्मद मजलूम आलम और राहुल आलम। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकिशोर सहनी, पंजा बलेठा। दोनों भाई गया था फूफू के यहाँ बघवा दिरा, वहाँ से आ रहे थे और ट्रक से घसीट दिया, धक्का लगा, दोनों आदमी घायल है। एगो तो बहुत पूरा तरीका से घायल है। और पुलिस घटनास्थल पर आई थी? हाँ, पुलिस आधा पौने घंटा बाद आए यहाँ पर, ट्रक को यहाँ जब्त करके रखे हैं। और जो घायल है क्या नाम है? मोहम्मद कंची नाम चिरे मजलूम आलम। अब दूसरा? हाँ, दूसरा मोहम्मद राहुल आलम। आपके गांव के ही हैं? हाँ, मेरे गांव का है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाबिर आलम। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए खगड़िया बिहार से सुदर्शन कुमार की रिपोर्ट।